फिजिक्स, नीट एंड जेई बोथ, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑनलाइन के द्वारा। तो सब कुछ मैं नहीं बता जाएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं बोल भी रहा हूं। पहले सेमेस्टर जो क्वेश्चन 44 है, ये है एक सॉलिड सिलेंडर है 2 mm मास और r रेडियस का, जिसमें ये डोरी लिपटी हुई है और दूसरा एंड ये मास लटका हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जैसे इसको छोड़ देंगे व्हेन रिलीज फाइंड टेंशन, इसमें टेंशन कितना होगा, सिंपल। दूसरा, ये सॉलिड स्फीयर, ये सिलेंडर है, ये स्फीयर और रफ सरफेस है, इसको ऐसे फोर्स लगाया गया है और उसने रोल करना शुरू कर दिया, स्लिप नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन है, कह रहा है नो स्लिप। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स यहां काम कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका वेट नीचे काम करेगा, एम जी टेंशन ऊपर, तो फॉर मास एम अगर नीचे जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो इसका सर्कमफेरेंस भी लीनियर एक्सीलरेशन ए से होगा, तो एंगुलर निकल जाएगा आराम से। पहले एम के लिए बात कर लें, अभी ए एक्सीलरेशन ए है तो एम जी माइनस टी इज अ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन वन। अब आप बात करते हैं सिलेंडर, सिलेंडर की बात करते हैं, इस पे इधर लग रहा है फोर्स टी टेंजेंट, एक्सिस ये है रोटेशन। तो अगर आप बात करते हो सिलेंडर की, तो मास एम हो गया, सिलेंडर का मास 2 mm है, इसकी बात अगर करते हो तो नेट फोर्स की जो नेट टॉर्क आएगा इज इक्वल टू आई इंटू एल, तो नेट टॉर्क हो जाएगा अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर, ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, एम है 2 mm और आर भी आर दिस, एंड अल्फा जो आउटर सरफेस का जो लीनियर एक्सीलरेशन है डिवाइड बाय आर, तो एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो फिर वो पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन जो निकल गया वो हर पार्टिकल का होगा, लीनियर एक्सीलरेशन जितना दूर जाओगे उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए आउटर सरफेस की हेल्प से हमने ए बाई आर करके एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल दिया जो कि पूरी बॉडी का एक जैसे होगा। सो आर से आर कैंसिल, बचा एक आर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, T इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करना है और टेंशन रिक्वायरमेंट है, फाइंड टेंशन निकाल दो, दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सो फ्रॉम 1 and 2 mg minus t is equal to ma and this ma is also equal to t, t change the a eliminate kar diye, so plus t ho jayega, 2t is mg, so t is mg by 2, itna acceleration isme hoga jis waqt chhodenge। aaiye second question tarah chalte hain, इसे रोल कराया जा रहा है, तो पहले रोलिंग मोशन के लिए टॉ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, तो अगर इसके अबाउट घूमता है अपनी जगह पे तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2.5 mr², पर रोल कर रहे थे इसके अबाउट घूमने को तैयार है एस इस मोमेंट, तो फोर्स अप्लाइड फोर्स F ये अप्लाइड फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मानी जाएगी 2 r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हम जानते हैं और इसके अबाउट हमें निकालना है, तो पैरेलल स्फीयर में हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा
जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, यानी कि ये इसके अबाउट होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये बात अल्फा की, अल्फा हो जाएगा जो इसका लीनियर एक्सीलरेशन होगा डिवाइड बाय r। ओके, सो f मल्टीप्लाइड 2r इज इक्वल टू 5/7/5 mr स्क्वायर a बाय r। r से एक r कैंसिल, ये वाला r भी कैंसिल, तो अब तो एक्सीलरेशन जीरो है, f इज गिवन, सो a इज इक्वल टू a क्या क्या बचा, m बचा, एम अपॉन मैच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 2 = 10 है, ये एम ए निकालते हो, ठीक है, एम ए करें तो 5 × 10 × 7 एम ए पर ये। अब जो है आपको जैसे हमने रोटेशन मोशन के लिए ले लिया, अब लेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन के आगे बढ़ने। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जैसे हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो देखिए जरा, जैसे इसको हम इसके ऊपर रख के ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसे घूमने को तैयार, यानी लोअर पोर्शन है ऐसे ऐसे फॉलो करना तैयार, तो फ्रिक्शन आगे लगाए, अगर ऐसे यू रगड़ने को तैयार है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगाए, ये इसको एफ मान लीजिए, तो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लीनियर, तो एफ के साथ ही फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, इज गुड एम ए एम और लीनियर एक्सेलरेशन आप निकाल चुका, बस सिंपल एफ गुड एम ए यूज किया। ये जरा फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना डायरेक्शन का, तो पर एम निकला हुआ कितना 10 × 7, तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 10 × 7 − f, सो फ्रिक्शन फोर्स इज 10 − 7 = 3f/7। एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, इसके बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये थे जी दो बड़े प्यारे क्वेश्चन, और दोनों ही थे रोटेशन मोशन के क्वेश्चन, जिसमें कि फोर्स और टॉर्क का कॉम्बिनेशन, फोर्स का काम जो लीनियर मोशन में होता है, टॉर्क का वही रोटेशन में होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लीनियर मोशन में मास काम करता है वही रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। इसके साथ ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सारे जरा सब कुछ अच्छी तरह आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके।